वेलकम टू माई चैनल। आज आपका हमारे चैनल में फिर से स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 5। इससे पहले जो हमारी वीडियो आई है, बाकी क्वेश्चन उस वीडियो में आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर आकर। तो चलिए, 5 क्वेश्चन शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करना ना भूलें। और अगर आप में से कोई हमारा फ्रेंड न्यू बना है, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन पर भी प्रेस जरूर करें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। तो देखिए, एक ग्राफ दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 में, कुछ पॉइंट दिए गए हैं। फर्स्ट पॉइंट है 0 0, तो देखिए इस तरीके से शो हुआ है। सेकंड है 1 -1, यहाँ पर होगा वो, और नेक्स्ट है आपका -1 और 1। इस तरीके से 3 पॉइंट शो किए हुए हैं। हमें कुछ इक्वेशन दी गई हैं, तो हमें उन पर ये पॉइंट लाइज करके देखने हैं कि वो लाइज हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो चलिए इक्वेशन लिखते हैं। सबसे पहली इक्वेशन है हमारी y = x। y = x पे हम 1 by 1 ये पॉइंट देखते हैं कि लाइज हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, मीन्स 0 0। तो x की वैल्यू भी 0 है और y की वैल्यू भी 0, तो दोनों इक्वल हैं। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट -1 और 1, यानी कि x की वैल्यू है -1 और y की वैल्यू है आपकी 1। तो देखिए 1 = -1, तो ये नॉट इक्वल आ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि जब एक ही पॉइंट नो में आ रहा है कि सेटिस्फाई नहीं हो रहा, तो ये वाले इक्वेशन का ये ग्राफ नहीं है। और अब थर्ड पे एक बार और चेक कर लेते हैं। x = 1 है और y = -1, तो देखिए -1 = 1, तो ये भी नॉट इक्वल आ रहा है। आपने देखा कि इस इक्वेशन का ये वाला जो ग्राफ है वो नहीं है। तो सेकंड इक्वेशन में चेक करते हैं। सेकेंड इक्वेशन है आपकी x + y = 0। तो देखिए पहले पॉइंट -1 और 1, -1 + 1 = 0, तो मीन्स 0 = 0, तो ये तो लाइज हो रहा है, यस में है। सेकेंड पॉइंट चेक करते हैं, पहला है 1 और -1 = 0, तो 1 - 1 = 0, तो 0 = 0, ये भी लाइज हो रहा है। अब थर्ड पॉइंट की बात आती है 0 0, तो अगर हम x को भी 0 रखेंगे और y को भी 0 रखेंगे, तो हमारी 0 तो वैल्यू आनी ही है। तो मीन्स ये इक्वेशन इसकी सही है, यानी कि यस, ये इस इक्वेशन का ही ग्राफ है। तो चलिए और इक्वेशन देखते हैं, तो इसका आंसर यस में होगा। देखिए थर्ड इक्वेशन है आपकी y = 2x, मीन्स x की जगह पे -1 और y की जगह पे 1 रख के देखते हैं। पहला पॉइंट 1 = 2 - 1, तो आपने देखा 1 = -2 आया, तो नॉट इक्वल हुआ, तो ये तो इस पॉइंट लाइज नहीं कर रहा। सेकंड पॉइंट देखते हैं, x की वैल्यू अगर 1 है और y की वैल्यू -1 है, तो देखते हैं -1, तो -1 = 2 - 1, यानी कि -1 = 2, तो ये भी नो आंसर दे रहा है। लास्ट देखते हैं 0 0, 0 = 2 - 0, तो 0 = 0। आपने देखा कि ये भी नो का साइन दे रहा है, क्योंकि ये दोनों वैल्यू नॉट इक्वल आई हैं। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। फोर्थ जो हमारी इक्वेशन है उसमें चेक करेंगे। तो देखिए पहले हमने पॉइंट लिए -1 और 1, तो मीन्स x की जगह पे हमें -1 रखना है और y की जगह पे 1 रखना है। तो देखते हैं LHS और RHS हमें क्या दिखाते हैं। 2 + 3 = -7, 3 + 2 = 5 आ गया, और ये नॉट इक्वल होगा क्योंकि -7 है, तो ये तो नो आ गया आंसर। अब चेक करना है सेकंड पॉइंट को, यानी कि 1 और -1, तो 2 + 3 - -1 = 7 - 1, तो देखिए 2 + -3 = 7, यानी कि -1 = 7 की, तो ये दोनों पॉइंट आपको नो का आंसर दे रहे हैं। लास्ट और देख लेते हैं 0 0, अगर 2 + 3 * 0, यानी कि 0, यहाँ पे 2 बचा और ये इधर 0 आ गया, तो नॉट इक्वल आया ये भी। तो ये आपने देखा जो
इससे पहले क्वेश्चन थी उसका आंसर होता है। तो चलिए फिगर नंबर 4.7 पर चलते हैं। देखिए पहली जो इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, तो उसमें हमने देखा कि पहला पॉइंट x इज इक्वल टू माइनस वन और y इज इक्वल टू थ्री लाइज हो रहा है, नहीं हो रहा है, y की वैल्यू 3 रख दी और x की माइनस वन रख दी तो नॉट इक्वल आ रहा है। सेकंड पॉइंट 0.2 रखेंगे तो 2 की वैल्यू, y की वैल्यू 2 रख दी और x की वैल्यू 0 रख दी तो 2 इज इक्वल टू 2 आ रहा है। थर्ड पॉइंट की बात करें तो 0 y की वैल्यू है और x की वैल्यू 2 है तो ये नॉट इक्वल आ रहा है 0 और 4 के। तो चलिए अब सेकंड इक्वेशन देखते हैं इसके, y इज इक्वल टू एक्स माइनस टू, तो देखिए लाइज हो रहे हैं पॉइंट या नहीं हो रहे, माइनस वन और थ्री रख के देखते हैं, यानी कि y की वैल्यू 3 है और x की वैल्यू माइनस वन माइनस टू, यानी कि 3 इज इक्वल टू माइनस थ्री तो नॉट इक्वल आ रहा है। सेकंड पॉइंट देखते हैं, x की जगह पे हम 0 रखेंगे और y की जगह पे 2 रखेंगे तो माइनस टू, 2 इज नॉट इक्वल टू माइनस टू। थर्ड पॉइंट की बात करें तो x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू हमारी है 0 तो माइनस टू, तो 0 इज इक्वल टू 0। आपने देखा 2 पॉइंट्स लाइज नहीं हो रहे, 1 पॉइंट लाइज हो रहा है। तो चलिए नेक्स्ट इक्वेशन पर चलते हैं। अब देखते हैं इस इक्वेशन पे क्या कंडीशन रहती है। y की वैल्यू अगर हम 3 रखते हैं और x की वैल्यू है माइनस वन और माइनस पहले से ही है इसमें प्लस टू, 3 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, यानी कि 1 प्लस टू 3 इज इक्वल टू 3। आपने देखा इक्वल आ रही है। सेकंड पॉइंट देखते हैं, y की वैल्यू हमारी 2 है और x की वैल्यू हमारी है 0 माइनस 0 प्लस 2, यानी कि 2 इज इक्वल टू 2, ये इक्वल आ रही है। दो पॉइंट हमारे इक्वल आ रहे हैं। थर्ड पॉइंट और देख लेते हैं, y इज इक्वल टू माइनस x प्लस 2 में अगर हम पॉइंट रखते हैं x की वैल्यू माइनस 2 हो जाएगी और प्लस 2 पहले से ही और y की 0 तो 0 इज इक्वल टू 0। तो ये वाली इक्वेशन इस ग्राफ की ही है क्योंकि तीनों पॉइंट हमारे लाइज हो रहे हैं। आपने देखा है इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट बचता है, उसे भी देख लेते हैं। पहला पॉइंट देखेंगे, माइनस वन और थ्री की वैल्यू रखें, माइनस वन प्लस टू इंटू थ्री इज इक्वल टू सिक्स, माइनस वन प्लस सिक्स इज इक्वल टू सिक्स, यानी कि 5 इज नॉट इक्वल टू 6। अगला पॉइंट देखते हैं, 0 प्लस टू इंटू टू इज इक्वल टू 6, 4 इज नॉट इक्वल टू 6। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, 2 प्लस टू इंटू 0 इज इक्वल टू 6, 2 प्लस इज इक्वल टू 6, यानी कि नॉट इक्वल। तो आपने देखा कि जो थर्ड इक्वेशन थी वो इस ग्राफ के लिए बिल्कुल फिट बैठ रही है। तो उम्मीद है आपको ये ग्राफ वाले क्वेश्चन पसंद आए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।